फिलहाल तुम दोनों यहीं रुको। पहले मुझसे वादा करो कि आज से तुम दोनों अपने माजी को नहीं दोहराओगे। अम्मी, जब मैं माँ को लेने गया था तो अपना माजी भूल कर गया। मेरा माजी, हाल, मुस्तकबिल सब जुनैद है। सदा खुश रहो। तो फिर आओ बिस्मिल्ला, पहले अपने बच्चों से सदका तो करूं। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, खुशियां दिखाए। खुश रहो तुम दोनों। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं जाके चाय बना दी और ये पैसे गरीबों को मिलेंगे। ठीक है, तुम भी फ्रेश हो। जी कौन? जुनेद, कैसे हो तुम? क्या अब मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? नहीं। Come on, जुनेद, क्या हो गया है तुम्हें? नाराज तो मुझे होना चाहिए, तुम क्यों नाराज हो? दूर जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें साथ ले जाने के लिए आई हूँ, चलो मेरे साथ। तुम्हारी आइडियल जिंदगी तुम्हारी मुंतजर है। मैं अपनी आइडियल जिंदगी शुरू कर चुका हूँ। याद नहीं तुम कहती थी कि पीछे मुड़कर देखने वाले पीछे रह जाते हैं? लेकिन जब पीछे रह जाने वाली मोहब्बत दोबारा मुड़कर आती है तो आगे बढ़ के वसूल कर लेने चाहिए। पूरी कायनात मेरे कदमों में भी रख दो ना तो मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। क्या हुआ, कहाँ गई तुम्हारी मोहब्बत? मोहब्बत किसी वजह के बगैर हो जाती है, मुझे भी हो गई थी। हाँ, लेकिन नफरत करने के लिए बहुत सी वजूहत होना जरूरी है और तुमसे नफरत करने के लिए मेरे पास वो सारी वजूहत। तुम मुझसे नफरत करते हो? हाँ। जब लड़की खूबसूरत हो और उसके पास इतनी दौलत भी हो तो सिर्फ कोई अहमक ही उससे नफरत कर सकता है या फिर कोई बदनसीब। बदनसीब मैं था, अब खुश नसीब। जुनैद, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम चाहो तो अपनी माँ को भी साथ में ला सकते हो। नूर, तुम्हें पता है मसला क्या है? तुमने सबको टिश्यू पेपर समझा हुआ, इस्तेमाल किया और फेंक दिया, लेकिन मैं टिश्यू पेपर नहीं हूँ, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। चलिए, मैंने कहा ना, गेट आउट।